नमस्कार, मैं राजेश और आप देख रहे हैं जीटीवी न्यूज। जहां एक तरफ पूरे देश में कोरोना वायरस से संक्रमण की दर लगातार बढ़ती ही जा रही है, जिसको लेकर शासन प्रशासन पूरी मुस्तैद से अपना काम कर रही है। ऐसे में संक्रमण को रोकने के लिए सरकार द्वारा पूरे देश में लॉकडाउन किया गया है, जिसका पालन कराने के लिए निरंतर शासन प्रशासन लगा हुआ है। बावजूद इसके कुछ लोग लॉकडाउन का उल्लंघन कर रहे हैं। रामपुर में पुलिस और प्रशासन की टीम पर हमला, लॉकडाउन उल्लंघन मामले में मुकदमा दर्ज हुआ है। रामपुर के टांडा थाना क्षेत्र के डड़ियाल में यह मामला सामने आया है, जहां बेवजह घूम रहे दो लोगों को रोकने को लेकर हुए विवाद में क्षेत्र के कुछ लोग इकट्ठा हो गए और महिला पुरुषों ने मिलकर प्रशासनिक टीम पर हमला बोल दिया और दोनों भाग गए। प्रशासनिक टीम पर हमला की सूचना मिलते ही आला प्रशासन मौके पर पहुंचा और पूरे क्षेत्र को छावनी में तब्दील कर दिया। इस मामले में 8 से 10 लोगों के खिलाफ नामजद मुकदमा दर्ज किया गया है और आगे की कार्रवाई की जा रही है। इसे रामपुर से मुजासिम खान की खास रिपोर्ट। देखिए, ज्वाइंट मजिस्ट्रेट टांडा, SHO टांडा, चौकी इंचार्ज डड़ियाल, मैं फोर्स के लॉकडाउन का पालन कराने के लिए डड़ियाल कस्बे की गलियों में, जो मेन हाईवे से अंदर को जाती है, ये पैदल भ्रमण पे थे। दो लोग मोटरसाइकिल पर निकले, जिन्हें जो आगे पुलिस पार्टी में 4 सदस्य थे, उन्होंने रोका और ये बताया कि आप लॉकडाउन का उल्लंघन कर रहे हैं, पीछे मजिस्ट्रेट साहब थाना प्रभारी आ रहे हैं, उसके बाद आप उनको स्पष्टीकरण दे के जाएंगे। लाइट मेरे पीछे लाओ। लेकिन इसी बीच कुछ पुरुष और कुछ महिलाएं आए और उन्होंने उनसे हंगामा करके उन्हें छुड़ा लिया, और जब इन्होंने पकड़ने की कोशिश की जी, पीछे से पुलिस की पूरी टीम, मजिस्ट्रेट सब आ गए, तो इन्होंने हाथापाई करके उन्हें भगा दिया और पुलिस के सरकारी काम में, मजिस्ट्रेट के सरकारी काम में बाधा डाली। बाद में महिलाएं अनावश्यक का सड़क पर अवरोध कर रही थी, जिसके संदर्भ में अभियोग पंजीकृत कर लिया गया है। कितने लोगों के खिलाफ? अब ये तो पूरी FIR टंडा थाने से मंगाने के बाद मैं संख्या बता पाऊंगा आपको, लेकिन उसमें जहां तक सामान्य जानकारी मेरी है, उसमें स्त्री पुरुष मिला करके लगभग 8-10 लोग नामजद हैं और कुछ अज्ञात हैं। इनके विरुद्ध सख्त कार्यवाही होगी, क्योंकि किसी भी दशा में लॉकडाउन का उल्लंघन किसी को नहीं करना। सर, ज्वाइंट मजिस्ट्रेट साहब यानी कि SDM साहब जो यहाँ फोर्स के साथ थे, SDM टांडा टांडा जो यहाँ थे, तो वो क्या घायल भी हुए इस पत्रा? नहीं, घायल कोई नहीं हुआ। कितनी गिरफ्तारी हुई है? अभी गिरफ्तारियां नहीं हुई। जब फायरिंग भी हुई है सर? नहीं, कोई फायरिंग नहीं हुई। सामान्य पथराव जी।